वेलकम टू प्लेटफॉर्म होप यू डूइंग वेल तो हम देखो प्रीवियस ईयर जो जीके के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर ही रहे थे एक्चुअली uh, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था मेरा गला जो है बहुत ही ज्यादा uh, यू नो आई आई वॉज नॉट टेबल टू टॉक पंद्रह मिनट से ज्यादा बात हो रही थी दस मिनट से भी ज्यादा बात हो रही थी तो खांसी आ जा रही थी और बहुत गला दर्द कर रहा था बिकॉज ऑफ कोल्ड आई एम सॉरी फॉर दैट की मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाई बट आई ट्राइंग टू लाइक रिकवर और uh, थोड़ा सा मुझे अभी ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर तो मैं कर ही सकती हूँ बाकी सारी चीजों के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है बट फिलहाल क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को दे ही सकती हूँ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर नाउ एंड वन मोर थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो हमने जीए का कोर्स लॉन्च कर रखा है उसमें हमने स्टैटिक जीके के वाला जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया है आज जो है अलेवेंथ ऑफ जुलाई को हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुका है उसमें एंशंट इंडियन हिस्ट्री के दो लेक्चर्स मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं जिन लोगों ने भी कोर्स परचेज कर रखा है उनका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है तो आप लोग भी क्या करना कि जल्दी से जल्दी कोर्स एनरोल कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एम रेलवे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करने की और प्लीज़ अपना अगर यू नो टाइम बचाना चाहते हो तो जनरल अवेयरनेस मुझसे मुझसे करके करके जाना और करके जाना और कंप्यूटर नॉलेज मैं गारंटी देती हूं. 50 जो जो मार्क्स मार्क्स है ना कि हमारा जो 50 का जो टारगेट है 50 आउट ऑफ फिफ्टी का वो हम अचीव करके रहेंगे ये गारंटी ओके चलो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या टेकन बाय तो हुआ यू था कि जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा हाथ से बाहर जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने पढ़ा रखा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ से बाहर जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी तो उनको मद्देनज़र रखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन लेकर आई ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पावर खींचना शुरू किया रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटीन से

आपका देखो कौन सा से सेशन होता है जब वो कभी अमेंडमेंट वगैरह लेनी है या फिर किसी चीज के ऊपर आपको डेड लॉक हो गया लेकिन कुछ लोकसभा कुछ कह रही है राज्यसभा कुछ कह रही है तो ऐसे मामलों में जब दो, दोनों को सीटिंग देनी होती है तब वो जो है कन्विंस कर सकते हैं प्रेसिडेंट तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द बिगेस्ट प्लानट इन द सोलार सिस्टम तो सबसे बड़ा जो प्लानट है सोलार सिस्टम में वो है जुपिटर है ना बच्चों जुपिटर इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी माए वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स तो यहाँ पे जो है पहला पहला जो लेटर है हर एक शब्द का जैसे माए वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स तो एम से आ गया आपका मर्करी वी से वीनस ई e से अर्थ एम से आ गया फिर से मार्स, देन जे से जूपिटर एस से साटन यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून तो पूरे जो है आपके आठ जो है ग्रह की बात हो गई यहाँ पे प्लूटो ग्रह नहीं है प्लूटो एक ड्वार्फ प्लानट है ठीक है उसका जो है आ, दो के बाद उसको निकाल दिया गया था अः प्लानिट के लिस्ट से और जो आपका मार्स और जुपिटर है इन दोनों के बीच में आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे ठीक है बहुत बड़े बड़े मलबा पत्थर धूल सब कुछ मिलेगा वो है एस्ट्रॉयड बेल्ट बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ठीक है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये कौन से दो ग्रहों के बीच में है तो ध्यान रखना है इट इज बिटवीन ठीक है इट इज बिटवीन जुपिटर एंड मार्स ठीक है जुपिटर एंड मार्स मैंने पर्सनली एक पेपर दिया था उसमें था उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन आया ठीक है नेक्स्ट क्या कहता है द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन ऑफ एम के गांधी वॉज स्टार्टेड इन और स्टार्टेड एट तो देखो आ, महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था एक तो ये नाइन्थ ऑफ जनवरी 1915 को वापस आए हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया ठीक है इसीलिए हम नाइन्थ ऑफ जनवरी को मनाते हैं एनआरआई एन आर आई डे ठीक है आ, या फिर प्रवासीय भारतीय दिवस कहते हैं इसको एनआरआई डे कहो या फिर प्रवासी भारतीय दिवस कहो तो ये हम क्यों मनाते हैं क्योंकि नाइन्थ ऑफ जान को महात्मा गांधी जी घर वापस आए थे यहां इंडिया में वापस आए थे 1915 में ठीक है उसके दो साल बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का इंडिया में पहला सत्याग्रह किया अगर आपको पूछा जाए कि भाई उनकी जिंदगी का सत्याग्रह कहां पे शुरू हुआ तो याद रखना यहाँ नहीं इंडिया में शुरू नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है लेकिन यहां पे आने के बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया था उन्नीस में चंपारण सत्याग्रह ठीक है चंपारण सत्याग्रह किसकी खुशी में किया था क्यों किया था मतलब किस चीज का विरोध थे 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 तो ये विरोध कर रहे रहे आपका जो 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 इंडिगो के लिए जो इंक जो बना रहे थे, नील खेती ज्यादा हो गई थी और जर्मनी में जो है इंक का एक तरह से इनोवेशन हुआ था तो यहाँ के लोगों का जो है जो नील खेती करी थी यहाँ के लोगों ने फार्मर्स ने उनका जो है वैसे ही माल पड़ा हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स है वो जो भी उनका डिमांड था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था पहली बार ठीक है एम के गांधी जी महात्मा गांधी जी ने पहली बार अगर सत्याग्रह कौन सा किया है अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है मुझे कलर चेंज करने दीजिए महात्मा मांद गांधी जी ने कौन सा किया है तो ध्यान रखना है आपको चंपारण सत्याग्रह नाइनटीन में अगर ईयर भी पूछे तो ये भी याद रखना है उन्नीस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम लाइक कि ये जो कमिटीज है ना ये जो कमिटीज़ है बच्चों पेड़ के क्लास के बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि ये एक सेपरेट मैं वीडियो भी बना दूंगी कि कौन से कमेटी को किसने अध्यक्षता की है ठीक है जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी को बी आर आम्बेडकर ने जी ने अध्यक्षता की है ठीक है ये तो आप लोगों को पता है लेकिन जो चेयरमैन है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मैंने ये लिखा के नहीं दिया है लास्ट में लिखा के दूंगी कॉन्स्टिट्यूश जो अपना पॉलिटी खत्म हो जाएगा तब तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी ठीक है Okay, next question, what is expansion of VAT? वैट क्या वैट का फुल फॉर्म क्या है तो वैट का फुल फॉर्म है आपका वैल्यू एडेड टैक्स ठीक है क्या है वैल्यू एडेड टैक्स लेकिन अब ये टैक्स है क्या नहीं आप सब कुछ सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एकदम जीएसटी बना दिया गया है ये सारी चीजें आगे पढ़ने को आपको मिलेगी देन फीना इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ विच स्पोर्ट्स देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से है या क्या कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है ठीक है तो ये सारी चीजें तो फीना जो है ये गवर्निंग बॉडी है आपकी वॉट वाटर पोलो की ठीक है कौन सी है वाटर पोलो की ये एसएससी जीडीएस के पेपर में आया था जी के पेपर में आया था आई mm, थिंक 2010 का है शायद ये क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स तो देखो मध्य प्रदेश जो है अपनी बॉर्डर पांच स्टेट से uh, उसको टच करता है जैसे यहाँ हम लोग मैप में ही देख लेते हैं वेयर इज द मैप ओवर हियर ठीक है हम्म तो यहाँ देखो ये बीच में आपका मध्य प्रदेश तो एकदम आप देखेंगे साउथ में तो महाराष्ट्र टच हो रहा है इधर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ टच हो रहा है ठीक है झारखंड टच हो रहा है कि नहीं झारखंड टच नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश जो है झारखंड से टच हो रहा है नो उसकी बॉर्डर से टच नहीं होती तो एक आपका महाराष्ट्र दूसरा आपका छत्तीसगढ़ तीसरा आपका उत्तर प्रदेश और आप चौथा राजस्थान कंसिडर कर लो और पांचवा गुजरात तो पांच स्टेट्स है जहां पे मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री जो है बॉर्डर शेयर करता है ध्यान रखना महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आपका उत्तर प्रदेश देन राजस्थान एंड गुजरात और मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो जो एटलस होता है ना वो परचेज कर लेना Uh, अभी तो ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं हुई है कौन से भी जो जितने भी कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं लॉन्च कर रखे हैं वहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो ज्योग्राफी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन जल्दी ही ज्योग्राफी भी लॉन्च हो जाएगा तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें जो है कौन सा सबसे ज़्यादा टच हो रहा है ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है बॉर्डर वाला आपको ध्यान रखना है आपको मैप पूरा याद होना चाहिए यही नहीं वर्ल्ड मैप भी याद होना चाहिए कि कौन सा सी कहाँ पर है कौन सा कॉन्टिनेंट किधर आता है सब कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लानट तो देखो नेचुरल सैटेलाइट पूछ रहा है टाइटन तो देखो मरकरी का कोई सैटेलाइट है ही नहीं ठीक है वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है मार्स का अर्थ का है क्या हाँ है अर्थ का है मून ठीक है मार्स के है दो फोबोज है डीमोस करके अब ये पूछ रहा है आपका टाइटन टाइटन है आपका सैटन का ठीक है टाइटन है आपका सैटन का सैटेलाइट ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को प्लीज एक बार जाके जीके वाला जो सेक्शन है पेड क्लास में एक बार चेक कर लेना और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको ये क्वेश्चन आ रहा होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है आप लोगों को पता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है दादा साहेब फालके राइट आंसर इज दादा साहेब फालके इनका एक अवार्ड भी मिलता है दादा साहेब फालके अवार्ड और इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्टली दादा साहेब फालके अवार्ड से स्टेट गवर्नमेंट की जो आप एग्जाम दोगे वहां वहा क्वेश्चन बनते ठीक है स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम में क्वेश्चन बनते ओके चलो तो इतना सारा था थैंक यू सो मच फॉर फॉर्चिंग प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल शेयर दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो प्लीज कीप रिवाइजिंग थैंक यू थैंक यू